गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती कराए गए हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला, मुलायम की हालत में खास सुधार नहीं। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में भर्ती यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को भी मेदांता अस्पताल में ही भर्ती कराया गया है। उन्हें बुखार के साथ पेट में दर्द की शिकायत है, हालांकि उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार है। मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों के कई अनुसार समाजवादी पार्टी के संरक्षक तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं है, उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव ने मंगलवार को भी अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मुलायम सिंह यादव को लगातार चौथे दिन यानी कि बुधवार को भी वेंटिलेटर पर रखा गया है। 22 अगस्त से मेदांता में भर्ती मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य रविवार को अधिक खराब होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनका इलाज कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन सूद की टीम कर रही थी। अब क्रिटिकल केयर यूनिट के हेड डॉक्टर यतिन मेहता की टीम इलाज में लगी हुई है। उनके साथ अस्पताल में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव तथा भतीजा धर्मेंद्र यादव भी मौजूद हैं। मंगलवार को मुलायम सिंह के स्वास्थ्य का हालचाल जाने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला, जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सपा नेता तथा पूर्व मंत्री नारद राय तथा उत्तर प्रदेश की ऊंचाहर विधानसभा क्षेत्र से सपा के विधायक मनोज पांडे भी हालचाल जानने पहुंचे थे। उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव पहले से ही भर्ती हैं। ओपी चौटाला को बुखार के साथ पेट में दर्द की शिकायत है। अस्पताल में वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला को सोमवार देर रात भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि पेट में इन्फेक्शन होने के कारण तबीयत अधिक खराब हो गई थी। ओम प्रकाश चौटाला को पहले भी कई बार इसी तरह की शिकायत रही है और यहां पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।